हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्ते और स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल में और देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के एक छोटे गांव गढ़धाती से। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज दिन के 2 बजे से। तो चलिए जी, आज की वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। और आज सुबह से ना एकदम भी फुर्सत नहीं मिली ब्लॉग बनाने का, क्योंकि काफ़ी सारा ना काम था। सुबह मॉर्निंग में उठ के ना मैं गांव के नीचे खेत में गई थी, तो वहां से लाने तो भट लाने के बाद घर आई और नाश्ता पानी किया, और उसके बाद ना घास काटने चली गई। तो अभी घर आई हूँ और खाना पीना से पहले और कुछ टाइम पहले ना यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा बंदर आए थे, तो बंदरों ने ना काफ़ी ज़्यादा ना परेशान किया है। तो अभी ना टाइम 2 बज चुके हैं और हमने ना खाना पीना अभी नहीं खाया है, क्योंकि मैं अभी घर से आई हूँ और साजी अंदर किचन में कुछ काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और बाकी आज हमने ना चौक में ना काफ़ी सारा धान डाल रखा है, और ये धान ना पुराना वाला है, तो इसको भी ना धूप में सुखाने के लिए डाल रखा है। तो ये पुराना वाला धान है हमारा। और ये यहाँ पे ना दालें और सुट्टा है। चलो आप लोगों को ना अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि साजी कुछ सिलबट्टे पे बना रहे हैं, शायद ना नमक पीस रहे हैं। आज साजी ना टेस्टी नमक बना रहे हैं एकदम मस्त वाला। और बहुत ना कपड़े धुलने के लिए हैं, तो मैं उनको ना धुल देती हूँ। तो चलिए जी, मेरे ना कपड़े भी धुल चुके हैं और अब खाते हैं हम खाना पीना। और अंशी धारे में आ गई, और यहाँ से लेके जाना उसको ना बड़ा मुश्किल होता है। देखो कैसे लगा रही है साबुन।
वहाँ जा किधर तो यहाँ पे ना ये कद्दू की सब्जी है और इसका ना हम रायता बना रहे हैं और इसमें हमने ना दही डाली है और साथ में अभी ना पिसा हुआ नमक। तो खाना आज ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होने वाला है क्योंकि कद्दू का रायता ना काफ़ी मस्त होता है और साथ ही मुस्कुरा रहे हैं अभी हम कहना 4 बज चुके हैं और हमने ना गायों को भी बाहर निकाल दिया है। बाकी अब हम ना धान को उठाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी सौजी ना पुण रहे हैं, हम इसको ना गढ़वाली में पुणना बोलते हैं। तो ऐसी ही हवा हो रही है हल्की फुल्की, तो उसी से ना काम चला रहे हैं क्योंकि ये तो सूखा हुआ अनाज है, धान है हमारा। तो चलो अब इसको ना उठा देते हैं फटाफट से। धान को फटाफट से ना इकट्ठा करने के बाद, उठाने के बाद ना मैं अभी ना खेत में आ गई हूँ जहाँ पे मैंने ना कल घास काटा था, क्योंकि यहाँ से ना घास घर लेके जाना है और दो भारी हो सकती है, तो फटाफट से लेके जाना है क्योंकि अब मेरे पास ना टाइम नहीं है। 5:30 हो चुके हैं तो 6 बजे ना रात हो जाती है आजकल जल्दी। तो फटाफट भी ना फटाफट से इस घास को घर लेके जाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने दो भारी लगा दी है और कुछ ना बच भी चुका है यहाँ पे घास। तो आज की वीडियो को ना इतना ही रखते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ना आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।